मुस्कान खान, कैसे सब रहे? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। तो मौसम जो है ज़बरदस्त है, बारिश का मौसम है। तो वैसे तो बारिश के मौसम में कुछ कुछ नमकीन सा होता, ये देख सकती है बारिश आ रही है अभी भी, कुछ नमकीन सा होता, समोसे पकौड़े वगैरह। मेरे पास इस टाइम जो बेसन मौजूद नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई स्वीट चीज़ें ही बना देती हूँ, क्योंकि डिनर हमारा हो गया था 7 बजे। तो मैंने ये सोचा कि मैं स्वीट चीज़ें राइस बना देती हूँ। राइस मेरे पास वैसे पड़े थे, मैं सोचती थी रोज़ाना कि इनका क्या करूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं राइस बना देती हूँ। तो मौसम भी ज़बरदस्त है, कुछ मीठा कुछ ठंडा, तो मैंने ये बना दिया अपने मज़ेदार से स्वीट्स। अंधेरा है काफ़ी, किचन जो है होता है वो इसी तरह के होते हैं गांव में, तो इस वजह से अंधेरा भी है। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस साइड पे कितना अंधेरा है जिस साइड पे मैं खड़ी हूँ। ये बाहर का व्यू, बाहर का व्यू नज़र नहीं आएगा क्योंकि बाहर के इधर से दिखा देती हूँ। ये देखें बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा, बाहर अंधेरा नहीं है, बाहर जो है काफ़ी बारिश आ गई है। मैं देखती हूँ मेरे राइस कितने पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। पे आ गई हूँ क्योंकि उस गैस में गैस कम हो गई थी, और मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ एक टेंशन में, समझो टेंशन में बैठी हूँ। और जिसकी आपको बात बता दूँ कि ओ माय गॉड, तो मैं धो के आ गई थी। हमारा जो बात है जिसमें मैंने ये धोए हैं राइस जाके, तो वो भी दूरी है थोड़ा, इस वजह से बारिश का मौसम है। और आपको बता रही हूँ मैं कि बाहर बारिश आ रही है, तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई बाहर जाते हुए कि कहीं मैं, एक तो ये देहची जो गर्म थी और ऊपर से मैंने इसको उठाया हुआ था, बाहर तक जाना था, और फिर डर भी रही थी कि कहीं मेरे हाथों से ये, मैं कहीं गिर ना जाऊँ और ये सारे राइस मेरे गिर ना जाए। और दूसरा, इस टाइम मैं बना रही हूँ, मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट वगैरह तो नहीं थे, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही सादा बना रही हूँ। और दूसरा, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इतनी छोटी जगह है जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे जो है कि यहाँ पे यही जगह है इतनी सी, और पीछे दिखा देती हूँ ये चारपाइयाँ खड़ी हैं, जो कि मैंने अगर ऊपर इधर उधर हुई तो वो मेरे सर पे जा आके ठुकेंगी चारपाइयाँ। और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करती हूँ। ये मेरे पास हाफ चम्मच नमक है, ये ऐड करती हूँ। शुक्र है मुझे याद आ गया, वरना मेरी सारी मेहनत रह गा जाती, मेरा इस टाइम का सारा पंगा बेकार जाता, क्योंकि उसमें टेस्ट ही नहीं रहता। नमक के बगैर तो मीठे में टेस्ट ही नहीं होता। शायद आई थिंक ज़्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी तो वैसे ही बन रहे हैं। ये पानी खुश्क होगा चीनी का, तो तब जाके अंदाज़ा होगा कि क्या हमारा क्या चीज़ कम है और क्या चीज़ ज़्यादा है। तो अभी हम तैयार करते हैं इसको। आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थम्स अप दें। मैं अपनी वीडियो अपना कंटेंट बनाती हूँ, मेहनत करती हूँ, तभी तो मेरी वीडियो कोई नहीं वॉच करता। अगर मैं दूसरों के कंटेंट की तरह फेक वीडियो बनाती, फेक कंटेंट यूज़ करती, तो यकीनन मेरी वीडियो सब देखते और सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते। मगर मैं जो है अपना कंटेंट यूज़ करती हूँ, अपनी मेहनत करती हूँ, दिन रात अपनी मेहनत से बनाती हूँ वीडियो, तो इसी वजह से कोई नहीं देखता। कोई कहता है कि डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं, कोई कहता है ये ऐसे नहीं होनी थी, ऐसी होनी थी, तो मगर
अगर यही वीडियो, यही डिस्क्रिप्शन, यही तो कौन सी वो जो हमारे जो यूट्यूबर है जिनको हमने फेमस किया हुआ है, उनकी कौन सी ऐसी खूबी होती है उनकी वीडियो में जो सब देख रहे होते हो, उनकी पता नहीं एक चार तीन चार तीन से चार घंटे में के पे वीडियो जा रही होती है, 100K पे जा रही होती है, 100K 200K 300K पे। तो इसी वजह से कि वो अपना फेस शो करवाते हैं और क्या कहते हैं कि उनके पास आई थिंक मैं किसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, मगर उनके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता। जिस तरह मेरे माइंड में आया कि मैं कुकिंग पे वीडियो बनाऊं तो मैं कुकिंग पे वीडियो बनाती हूँ, या जिस तरह है कि मैंने जिस चीज़ को अपने गांव को दिखाना है तो मैं अपने गांव को भी दिखाती हूँ, अपनी वीडियो बनाती हूँ, मैं क्या करी, मगर उनके पास कोई ऐसा ख़ास कंटेक्ट नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं होता। कंटेक्ट तो उनका है ही है, उनके पास कोई ऐसा ख़ास टॉपिक नहीं होता, या फिर वो एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं, ये वीडियो बन रही होती है, या फिर वो अपने इशू सबको दिक्कत बता रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं ये वो पता नहीं क्या घटिया घटिया बातें कर रहे होते हैं, तो वो सारे ऐसे खुश होकर देख रहे होते हैं। तो खैर मेरी तो कोई, अगर कोई प्रमोट करता तो हमें करता, जिस तरह हम मेहनत करती है, जिस तरह हमारी मेहनत है। गांव को प्रमोट नहीं कर रहा कोई, गांव को कहते हैं ना कि गांव को प्रमोट करें, हम गांव की ज़िंदगी हो जो गांव में गरीब हैं या जो गांव दिखा रहे हैं उनको प्रमोट करें, इनको प्रमोट नहीं कोई कर रहा, गांव को तो कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ जो फेस शो कर रहे हैं उनको प्रमोट कर रहा है, जो घटिया घटिया बातें कर रहे हैं उनको प्रमोट कर रहा है और कुछ नहीं है। तो खैर किस्मत में हुआ तो हम भी कामयाब होंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है, मुझे खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है कि एक दिन आएगा जब मुस्कान खान का नाम भी बड़े यूट्यूबरों में आएगा। मैं शुरू कर रही हूँ, दम पे रखूँगी, खुश करूँ थोड़ा सा 2 मिनट, उसके बाद दम दूँगी। तो दम के बाद देखिएगा कि दम के बाद हम जो है देख रहे हैं अपने राइस, देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बन चुके हैं, मैंने टेस्ट भी करे थे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। दुआओं में, बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आप ही आ जाएं, खाएं जिस दिन खाने आ जाएं।